सबके बिगड़े काम बनाने वाली माता तेरी सदा सदा ऊंचे ऊंचे
पहाड़ा वाली माता तेरी सदा सदा चाहूंगा कि आप टेबल को ऊपर लगा दें, मैं कार्यक्रम खड़े होकर प्रस्तुत कर सकूं। गणेश और अंत में गणेश है, दिग में गणेश और दिगंत में गणेश है। गणेश है शुभंकर शुभ के संग लाभ भी, तो साधु में संत और संत में गणेश है। गणेश है महेश के पर पूजित है, तो षष्ठी गए षष्ठी विद्या आओ मात भारती विराजो मन मानस में, आओ मात भारती विराजो मन मानस में, तो बारी से रसमई अमृत बरसाओ तुम। संगीत स्वर सरगम में अर भर दो नवीन भाव, तो वीणा को बजा के काव्य सरस बनाओ तुम। तो बिनवत हूँ मात लाज है तिहारे हार, बिनवत हूँ मात लाज है तिहारे हाथ, कवित कदम्बन से पुष्प बरसाओ तुम। तेरे सावरिया ज्ञान गिरा सा गा दो आज, तो साज कर हंस मा एक बार आ जाओ तुम। हम बच्चों ने जिस दरबार से शिक्षा ली, उस दरबार में हमारे परमात्मा महाराज शोभन सरकार भगवान के मुख द्वारा पांच वीर मंत्रों का प्रादुर्भाव दादाजी कहना है। ओम रामात्मा पारा ब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु, बोध प्रभावेण सोसयामि बोवारिधिम। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरुं श्री चंडिकायै नमो नमः। ओम नमो जानवी पांडो सिद्ध पीठम बक्सरम श्री चंडिका मंदिरम नमः। ओम नमो नित्यम समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुत नंदनम। ओम नमो गुरुजनम देवम ईशम नमः शोभन मंदिरम। आज इस दरबार में सदेवा श्राद्धी खड़ा है, परमात्मा का ध्यान करते हुए महामाई के चरणों में चला है। इस दरबार में कई कलाकार आए होंगे, इस क्षेत्र में कई कलाकार आए होंगे, सबने सुंदर सुंदर पंक्तियों से माँ को मनाया होगा। बिल्कुल, लेकिन साधारण शब्दों में सचदेवा सरार्थी माता रानी के लिए कह रहा है मैया मैया। कहते हैं क्या वंदना दौर में फिल्मी धुनों का महत्व तो नहीं होता, लेकिन कुछ धुनें वंदना का काम कर रही हैं। बिल्कुल, कैसे कैसे इस अनजुमन में आप
ये जो अंजुमन सजा रखता है इसी अंजुमन में आपको आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान बस एक बार मेरा दा, बस एक बार मेरा दा मान लीजिए, बस एक बार मेरा दा मान लीजिए, एक बार मेरा दा बस एक बार का मत करिए भैया, इसको बढ़ाइए थोड़ा बढ़ाइए। बस एक बार मेरा का मान लीजिए, क्योंकि हमारे नरेंद्र भैया बैठे हैं दरबार में, हमारे दादाजी बैठे हैं। और क्या, ये भक्त भी क्या चीज है, ये भक्त भी क्या चीज है, पहचान लीजिए, लेकिन सचदेवा सरासी कह रहा है क्या, जगरानी राज रानी माँ, जगरानी राज रानी बाबा रानी भवानी मारानी भवानी, तो सतसा प्रणाम चरणों में, सतसा प्रणाम चरणों में श्री कार कीजिए, तेरे के बाल मेरा का
नरेन दादाजी की तरफ से अनगिनत पुरस्कार हमारे नाल पे संगत कर रहे हैं छोटू भाई के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात में सचदेवा सरस्वती कह रहा है दादाजी के मैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या चढ़ाऊं। अरे दूध चढ़ाता हूँ दूध तो बछड़े का झूठा है, फूल चढ़ाता हूँ फूल तो भावरे का झूठा है। सोचा कुछ ऐसा चढ़ाया जाए जो माता रानी के चरणों में आ जाए। वाह क्या कहते हैं क्या हीरा सुमने गए ये हमारे बड़े भैया श्री द्वारिका प्रसाद जी मिश्रा ककर वाचा है क्या वाहा है ककर वाहा बुंदेलखंड के कीर्तनकार हैं आप, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं आप। इधर से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कहना क्या क्या कहते हैं कि भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, है बड़ा सहारा के दर्शन कभी दिखा दोगी, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगी। अंतिम बात में सचदेवा से आरती कराए क्या क्या चढ़ाऊं क्या चढ़ाऊं। हीरा सुमन सुसना के अरे मैं लाया त्रगो का जल, मैं लाया त्रगो का जल तो साहित्यकारी का कथन, साहित्यकार का कथन सुई कार की दिए बस एक बार मेरा का अरे मान लीजिए, माँ बीड़ा पाड़ी ओम का, माँ बीड़ा पाड़ी ओम का उच्चार कीजिए कीजिए। बोले सर उसी प्रकार जो बच्चा चल रहा है बोल एक गीत दादा श्री परम सद्देव स्वर्गीय दादा श्री दयाचंद जी के चरणों में दे रहा हूँ। इसके तदुपरांत सारी रात गीत होते रहेंगे, सुबह मौका अगर फिर मिला एक गीत पुनः दूंगा, क्योंकि इस दरबार में आने से पहले मुझे ये ज्ञात नहीं था कि श्रद्धांजलि गीत गाया जाएगा। 3 दिन पहले हमारे दादाजी ने मैटर भेजा, पर कार्यक्रम की इतनी व्यस्तता रही कि उसको हम लोग लिख नहीं पाए। आज बड़ा सौभाग्य का दिन था कि दरबार में आए तो दरबार में ही कलम उठाई गई और लिख दिया गया। गाना कह रहा है क्या कह रहा है गाना और दादाजी तर्जी भी बोली गई है जो तर्ज ही कह रही है।
तरजी ही कह रही है मंजिदे रो पड़ी रास्ते रो पड़े जी क्षेत्र नवागढ़ आप तो से एक सौ रुपए आए हैं। नंदू भैया नाम है कि बंधु नाम है? बंधु भैया, बंधु लाल कुशवाहा जी ये हमारे नवागढ़ के हैं। आप तो से एक सौ रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है क्या? क्या आज आज वो दिन याद करके कि हमारे दादा श्री दयाचंद जी नहीं है, हालांकि कौन कहता है कि नहीं है, जो ऐसे पुण्य काम करते हैं, जो ऐसे धर्म के पथ पे चलते रहे हो, उनका कभी अंत नहीं होता। वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। सबके दिलों में उनका स्थान होता है, युगों युगों तक याद किए जाते हैं। और जब याद किए जाते हैं, जब जब याद किए जाते हैं, दादा जी कहना है क्या? हंस पड़े जाने क्या क्या किए थे तुम्हारे लिए। ये हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे कवि हैं, अजय फड़िंदी मस्ताना। आप तो से एक कुसुमाल एक सौ रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। कहना है क्या? जाने क्या क्या किए थे तुम्हारे लिए, कई बार हमसे ये धोखा हुआ गए, अरे कई बार हमसे ये धोखा हुआ गए, चले आ रहे हैं वो नजरें झुका गए, अरे चले आ रहे हैं वो नजरें झुका गए। दादाजी वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और ये हमारे स्वर्गीय दयाचंद बाबा जी के नाती हैं अभिषेक मैनवार जी। आप तो सिर्फ 500 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवार। और खुशी तब होती है जैसा हमारे अभी कवि महोदय जी ने कहा था कि सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। खुशी इस बात की होती है कि आज भी हमारे धर्म में, आज भी हमारे समाज में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नाती हैं, जो अपने बाबा की नींव को लेकर चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छे बेटे। इसीलिए ये भारत देश हमारा है। आप हमारे श्री नीरज जैन जी संगीतकार ककरवाहा आज से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है क्या? क्या वो जब याद आए, बहुत याद आए, लेकिन दयाचंद्र दादाजी
लाइन को सुनेगा आखिर कब याद आए ऐसे पुण्य ऐसी पुण्य आत्माएं कब याद आती है। अरे दयाचंद दादाजी प्राणों से प्यारे, सबके प्राणों से प्यारे हैं बिल्कुल। दयाचंद दादाजी प्राणों से प्यारे, जिन्हें आज दिल से, जिन्हें आज दिल से अरे भुलाया न जाए, जिन्हें आज दिल से अरे भुलाया न जाए। और वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। क्यों है दुखी आज धरती, है दुखी आसमां, छोटू वाह अपना छोटू, है दुखी आज धरती, है दुखी आसमां, है दुखी आत्मा, लेकिन दुखी हो रहा जग का आज परमात्मा, हो गया दूर हमसे वो दिव्य आत्मा, वो दिव्य आत्मा, वो दिव्य आत्मा, प्रबल प्रेम के दीपक जिन्होंने जलाए, प्रबल प्रेम के दीपक जिन्होंने जलाए, हमें छोड़कर दूर हमसे सिदाए, लेकिन वो जब याद आए बहुत याद आए, अरे जिनके गुलाब चंदी के जो मित्र आए सुजन, क्या बात है बेटा, किनके गुलाब चंदी के साथ मित्र आए सुजन, वृक्ष इमली का पाए तो ये हर से नयन, मार्ग में एक इमली का वृक्ष देखा और जब वृक्ष देखा उस जगह मूर्तियां खंडित इनको मिली, जब जैन मूर्तियां खंडित मिली तो सब्र की नींव इनके तब हृदय में ही, तुरंत वृक्ष को आप हाथों से अपने, लोगों ने कहा नहीं मैं आप पर सहयोग नहीं करूंगा, लोग डर रहे हैं, लेकिन हमारे परमात्मा, तुरंत वृक्ष को आप हाथों से अपने, उसी क्षण वहां काट करके
हटाए। जो ऐसे काम करने वाले हैं वो जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद आए। जब उस बच्च को हटाया गया तो एक मूर्ति निकली। आज वही मूर्ति बीचों बीच विराजमान है। तो कहना क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक वृक्ष मंदिर बनाया गया, अपना छोटू, केवल छोटू नहीं अपना छोटू। अरे बड़े भैया संजय कैटर्स टीकमगढ़ आप तो से कुशमाल और एक ये 51 रुपए हमारे छोटू भाई के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौज कर कहना जब कार्तिक वृक्ष मंदिर बनाया गया, से सजाया गया, सजाया गया, सजाया गया। इन मूर्तियों को सारे धर्म के लोग पूजते हैं। जय हो, इस दरबार में जितने लोग आए हैं सब पूजते हैं, क्योंकि हमारे नरेंद्र भैया तो टीकमगढ़ में रहते हैं और इसकी देखभाल तो हमारी पब्लिक ही करती है, पूजा तो यही करते हैं। जय हो, जय हो। हमारे डॉक्टर कोमल चंद्र जैन जी अजनौर अजनौर आज से 100 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहना है क्या, कार्तिक वृक्ष मंदिर बनाया गया, सजाया गया, सजाया गया, सजाया गया। लेकिन हमारे दादा दयाचंद दादा जी आप संगीत के भी पुजारी रहे, आप संगीत के बहुत बड़े पुजारी थे, बिल्कुल कलाकारों का चयन भी आप करते थे, बिल्कुल संगीत में रुचि रखते थे। अरे तबला यानी क्या क्या साज आपके हाथों में सब सेट था। परमात्मा ने आपको ऐसी सद्बुद्धि दी थी, ऐसा विचार दिया था, ऐसा ज्ञान दिया था। आप संगीत के भी पुजारी रहे, लेकिन 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 खुद समाज के भी हितकारी रहे, इन्हें नाट्य मंचन, इन्हें नाट्य मंचन की कला भी थी प्यारी, इन्हें नाट्य मंचन की कला भी थी प्यारी। और ये मंदिर के प्रबंधक भी थे, प्रबंधन भी मंदिर का हर करके दिखाए। जब ऐसे कार हमको जब जब याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। विशेष बात दे रहा हूं, श्री करोड़े लाल पिता के
नयन तारे थे ये छोटा लड़का है ढोलक श्री करोले लाल पिता के नयन तारे थे ये आदरणीय प्यारी बाई सी माँ को प्राण प्यारे थे ये लेकिन लेकिन पत्नी को आप करतार थे बहन भागवती के राखी के तार थे बहन भागवती के राखी के तार थे ये बहुत बहुत धन्यवाद अनगिनत पुरस्कार हमारे नरेंद्र दादाजी तरफ से और हमारे दादाजी का क्या नाम है ये हमारे बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कवि साहब हैं। अब जब कवि साहब ने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे लग रहा है मेरी लाइनें सार्थक हो गई बहुत बहुत धन्यवाद कहना क्या पत्नी कोरा पाई के आप करतार थे बहन भागवती के राखी के तार थे भाई कपूर चंद्र भाई कपूर चंद्र बाबूलाल इनके अरे भाई कपूर चंद्र बाबूलाल इनके गले से अरे भाई कपूर चंद्र बाबूलाल इनके गले से हमेशा रगे थे लगाए जब लगाए रहे वो जब याद आए बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद आए लेकिन आखिरी बात पुत्री भूला पाई के आप खिवैया रहे पुत्री भूला पाई के आप खिवैया रहे लेकिन पुत्र नरेंद्र सर्राफा के खुद सहैया रहे आज भी कहते पिता चाहे जाओ बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं बिल्कुल चाहे जाओ उनका साया कभी नहीं हटता लेकिन पात्र अभिषेक अर्पित वा प्यारे अमन क्या कहना है पात्र अभिषेक अर्पित वा प्यारे अमन करते बाबा को अपने
देख सत्य सत नम देखो जाते सत नम देखो जाते सत नम जिनकी पुण्य इस नदी गई है मनाई उन्हीं के इन्हें याद आकर रुलाए जिनकी ये पुण्य इसमत गई है मनाई उन्हीं के उन्हें याद अरे उन्हीं के इन्हें याद आकर रुलाए तो हमारे इस परिवार को वो जब याद आए बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद आए जब याद आए बहुत याद आए जब याद बहुत याद जब याद आए बहुत याद आए बहुत याद आए रे 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 बोले सनचे जैसा कि आदेश हुआ है अपनी ओर से उधर भैया सचदेवा जी की ओर से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है आदेश मिला है मुझको मैं भी आदेश का पालन कर रही हूँ अपनी ओर से कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हूँ तो सबसे पहले इस मंदिर के पावन प्रांगण की पावन रज को अपने माथे पर अंकित करते हुए सृष्टि के समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान गणेश माता सरस्वती का आवाहन कर रही हूँ स्वागत कर रही हूँ नवागढ़ के सभी भाइयों को जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम बच्चों के लिए दिया है स्वागत की श्रृंखला में स्वागत करें हमारे दूर दूर से पधारे तमाम कीर्तन प्रेमी भैया दद्दा लोग सभी को सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ सभी का अभिवादन कर रही हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे इस कार्यक्रम को सुन रहे हमारे देवी स्वरूपाएं माताएं बहने आपका भी नमन वंदन कर रही हूँ स्वागत कर रही हूँ आशीर्वाद की कामना है स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे समिति के सभी भाइयों को हृदय से स्वागत है नमन वंदन कर रही हूँ उस पुण्य आत्मा को जिनकी श्रद्धांजलि में ये पावन कार्यक्रम को रखा गया है दादा श्री दयाचंद्र जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हूँ शामंडल आज मंचासीन बुंदेलखंड की हस्तियां विराजमान हैं सम्मानीय दादा दादा श्री राम सुरेश द्विवेदी जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम है आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ सम्मानीय दादा गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम है स्वागत है आशीर्वाद की कामना है मंच के माध्यम से स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हमारे सम्मानीय बड़े भैया जो कीर्तन जगत के बीच पितामह हैं बहुत ही सुरीले अंदाज में सुंदर सा साहित्य गायन वादन सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी आपको भी हृदय से नमन वंदन है स्वागत है स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हमारे बहुत ही अच्छे कीर्तनकार सम्मानीय बड़े भैया श्री
मंचला जी, आपको भी हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हूँ हमारे सम्मानीय दादा दादा श्री विश्वकर्मा जी, आपको भी हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत की श्रृंखला में मंचासीन हमारे बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, आपका भी हृदय से स्वागत है, नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है। स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रही हमारे तमाम सुनने वाले दद्दा भैया दद्दा लोग, सभी को हृदय से स्वागत कर रही हूँ, नमन वंदन है। स्वागत कर रही हमारे संपूर्ण रात्रि जो सहयोग करेंगे आज इस कीर्तन, आपका भैया श्री आप हैं भैया सचदेवा सरार्थी जी जो कानपुर से पधारे हैं, आपको और आपके कुशल साथियों का हृदय से स्वागत है, नमन वंदन है। हम दोनों कलाकार के बीच में जो हमारे तीसरे कलाकार हैं भैया श्री साउंड सर्विस वाले भैया, आपका भी हृदय से स्वागत है, नमन वंदन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य आयोजक हमारे भैया श्री माननीय सम्मानीय नरेंद्र मेनुआ, आपको अभी हृदय से स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। मेनवार आपका भी स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में तमाम नाम हैं, लेकिन नाम को देखिए सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद लेकर चल रही हूँ। आज हमारे बीच में बहुत अच्छे कलाकारा माननीय सम्मानीय हमारे भाभी श्रीमती मीना राजपूत जी आ चुकी हैं, उनका भी स्वागत कर रही हूँ मंच के माध्यम से। तो लीजिएगा अपनी ओर से विलंब न करते हुए सीधा आपको कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ। रात्रि भर में हम बच्चों के दौरान ना जाने कितनी त्रुटियां होंगी, लेकिन अपने कृपा प्रसाद से आप लोग क्षमा करेंगे। तो लीजिए इसी आशा विश्वास के साथ ये उपस्थित है बुंदेलखंड की सबसे सबसे छोटी हेलो मैं एक निवेदन कर रही हूँ हमारे सम्मानीय भाभी जी, आप मेरी आवाज को सुन रही हैं और मैं भैया जी से भी निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मंच पर पधारें। रात्रि भर में हम बच्चों से कार्यक्रम के दौरान अनजाने में जाने कितनी त्रुटियां होंगी, लेकिन आप लोग अपने कृपा प्रसाद से क्षमा करेंगे। तो लीजिए इसी आशा विश्वास के साथ उपस्थित है ये बुंदेलखंड की सबसे सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। हेलो हेलो जी, हेलो सीडी ने आने चाहिए भाई। Thank you.
बोलते गणेश भगवान की जय, प्रेम से बोलते सरस्वती मैया की जय। कहना क्या बेटे, सबसे पहले जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करते हैं, जिससे इस कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, चाहे वो साउंड सर्विस की क्यों ना हो। आइए, हेलो, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ भाई साहब, नीली लाइट का। हेलो हेलो हेलो, बेस बिल्कुल बंद कर दो इसका। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ाओ बस। हेलो हेलो, हल्का ट्रबल बढ़ाइए इसमें। हेलो जी, हेलो, ये हेलो, बहुत बढ़िया। चलो बेटे, हेलो कहना है या कि गणराज तुम्हारी महामहिमा सुर नायक से सिर नाते रहे, तिहि लोगन के तन धारी सवे पद पंकज शीस नवाते रहे, रस रंग करे इतनी बिनती बिन विघ्न ही ये हरि ध्याते रहे, नित मंगल मोद मनाते रहे, मन मोहन के गुण गाते रहे। बार बार प्रणाम है बाबा श्री गणेश जी के चरणों में। बिल्कुल बेटे, प्रणाम कर रही हूँ उस शक्ति को, जिस शक्ति ने हमको मंच पर बैठना बोलना सिखाया है। कहना है कि गुरुवर मोहिना तुम सम मोको नाए। बार बार प्रणाम कर रही हूँ गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी, खरेला उत्तर प्रदेश, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। सीधा जब भी कोई कलाकार खड़ा होता है तो माता रानी के चरणों में चला जाता है, कहता है माँ माँ नमस्तस्यै नमो नमः। कहना है माँ से कि माँ कि जब जब कागज में लिखा मैंने माँ का
बोल उठी के हो गए चारों धाम। माता के चरणों में ही चारों धाम है तो कहना है माँ आज इस मंच पर शम्मानी हमारे भाइयों ने खड़ा तो कर दिया लेकिन वास्तव में मैं इस मंच के लायक नहीं हूँ। यहाँ इतना विद्वान समाज श्रोता बंधु बैठे हैं जो बहुत अच्छे कीर्तन को और संगीत को जानते हैं तो निवेदन है माँ कि आज की रात्रि आप जहाँ भी हैं मेरे मंच पर आइए और मेरे इस कार्यक्रम को माता रानी स्वयं आप ही साधी है। तो कहना माँ मुझको कहीं नहीं जाना। क्यों 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 ये प्रथम भेंट माता रानी के चरणों में भैया श्री काशी राम लोधी अजनौर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश आपके माध्यम से ये 101 पद मुद्राएं माता रानी के चरणों में भेंट हैं। माता भवानी सदैव आपका भंडार भरा रखें। कहना है माँ क्या किन्ना जाना मुझे वृंदावन ना तो मैं गुणवान हूँ ना ही मैं विद्वान कि मुझे गोद में आज उठावा कि मुझे गोद में आज उठावा तेरी ही संतान कि मुझे गोद में आज उठावा तेरी ही संतान हो तो मैं गुणवान हूँ
तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करते हैं। आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहना माँ कि मुझे गोद में आज उठाओ, कि मुझे गोद में आज उठा माँ, तेरी ही संतान हूँ ना तो मैं गुणवान हूँ ना ही मैं अनभिघ्न नहीं है। तो कहना माँ क्या बेटे कि कंठे स्वरी कंठ में भय दो लहरी सरगम की तो नौ रसों की कविता बहा दे। हे माँ नौ रसों की कविता बहा दे तो चाल बढ़ा दो कलम की। कवियों की गणना में माता कि कवियों की गणना में माता मैं तो शून्य समान हूँ तो भली बुरी जैसी भी हूँ माँ तेरी ही संतान हूँ ना तो मैं विद्वान हूँ ना ही मैं गुणवान विराम की पंक्तियां माता रानी के चरणों में समर्पित हैं। वो कहना है माँ क्या बेटे ये पत्थर होता है। तो कहना माँ कि माता तेरी कृपा कोर बिन माता तेरी कृपा कोर बिन मैं पत्थर निस्तान हूँ कि माता तेरी कृपा कोर बिन मैं पत्थर निस्तान हूँ भली बुरी जैसी भी हूँ माँ तेरी ही संतान हूँ ना तो मैं गुणवान हूँ ना ही मैं विद्वान हूँ तो मुझे गोद में आज उठामा मुझे गोद में आज उठामा तेरी ही संतान हूँ ना ही मैं विद्वान हूँ ना तो मैं गुणवान
हेलो हेलो भैया, इस इन मॉनिटरों की आवाज बढ़ा दीजिए, ये जो बगल पे लगे हुए हैं बड़े वाले बॉक्सों की आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो 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 जी, हेलो हेलो, मंच पर बिल्कुल वापसी आ नहीं रही है। हेलो 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 हेलो, क्या बात है, हमसे तो अच्छा ये पीछे वालों का बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, बड़ा ही भैया, बढ़िया है, सिटी नहीं बोल रहे हैं, आवाज बोल रहे हैं, यहाँ पर वापसी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और देखिए जितना अच्छा साउंड होगा उतना अच्छा राउंड होगा। और क्या, हेलो 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 जैसा कि सभी लोग जानते हैं, क्या हमारे सम्मानीय दादाजी के चरणों में श्रद्धा सुमन हमारे भैया सचदेवा जी ने भी अपनी ओर से भेंट किया है, मैं भी अपनी ओर से कुछ टूटे फूटे शब्दों में श्रद्धा सुमन भेंट कर रही हूँ। जय हो। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि वो जूता क्या हुए, दादाजी के लिए ना? क्या बेटे, वो जुदा क्या हुए, रोशनी खो गई, जब याद आए बहुत याद आए, कहना क्या गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत चलाए बुझाए, हमारे दादा स्वर्गीय श्री दयाचंद्र जी, आपने कहा बड़े भैया सच देवा भैया हमारे दादा कहीं गए नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो यहाँ पर आया है उसको जाना है, इसका नाम है मृत्यु लोक, जो जन्मा सो निश्चय नाशा, जब जाना है तो? लेकिन हमारे दादा के लिए कहना है जाना तो सबको है लेकिन
कुछ करके जाए। देखिए शरीर सबका मरता है, लेकिन अच्छे काम जो हमारे दादाजी ने किए हैं, नाम अमर होना चाहिए। बढ़िया। आप हमारे सम्मान्य भैया भैया श्री मोहन कुशवाहा डूडा, आपके माध्यम से क्या एक से पद मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर रामचंद्र कृष्ण चंद्र ने भी अवतार लिया, शरीर को छोड़ना पड़ा, लेकिन आज भी परमात्मा को याद करते हैं। एक जो परमात्मा के पद चिन्हों पर चलता है वो भी देव स्वरूप हो जाता है। जैसे कि हमारे दादा तो कहना क्या, आज वो भगवान राम कृष्ण के भांति अपने नाम को एक अलग पहचान दे गए हैं मानव समाज में। जब याद आई, समय आया, तो देखिए हमारे भाइयों ने, दादा के नातियों ने एक सभा आयोजित कर दी और उस सभा में कार्यक्रम रखा गया कीर्तन का। जब कीर्तन का रखा गया तो हमारे दादा जहाँ भी हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो कहना बिल्कुल बेटा, दादा दयाचंद की याद आने लगी। नातनों को याद आई, और बड़े भैया सचदेव भैया, दादा हर घर के सदस्य हैं, दादा ने सभी को समान रूप से देखा है, दादा सबके और दादा के सब हैं। क्या बात है। जब याद आई तो पूरे गांव ने, पूरे नवागढ़ ने एक कार्यक्रम रखा उनकी याद में। हमारे दादाजी के नाती जब्बू जैन लिधोरा, आपके माध्यम से एक से एक पत्र मुद्राएं भेंट हैं। दादा का सदैव आप पर स्नेह और आशीर्वाद बना रहे, भगवान सदैव आपकी रक्षा करें। आप हैं सम्मानी भैया पंडित श्री नवीन मिश्रा तबला वादक सोजना, आपके माध्यम से एक से एक पत्र मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है। सदा आपका भंडार भगवती भरा रखें। कहना क्या बड़े, दादा दयाचंद्र की याद आने लगी। जब आने लगी तो आंख है व्यक्ति की छल छलाने। जब याद आए नैन छल छलाए। वो जब याद आए नैन छल छलाए। तो वो परिवार देवताओं के जैसा परिवार होता है, और परिवार ही नहीं, अगर गांव में कोई
ऐसा व्यक्ति है वो गांव धन्य हो जाता है, वो देश धन्य हो जाता है। कहना क्या बेटे? आप हमारे सम्मानी भैया दादा श्री दयानंद जी के नाती अभिषेक मेनवार, आपके माध्यम से ये 500 पद मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह भेंट हुआ है। मैं चाहूंगी दादा का आशीर्वाद सदैव इन बच्चों पर बना रहे, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के सम्मान में होना चाहिए। वो तालियां बड़े भैया पैसों के लिए नहीं, जो अपने बुजुर्गों को वो स्थान देते हैं, परमात्मा का स्थान देते हैं, उनके नाम पर कीर्तन भजन कराते हैं, क्या बात, ऐसे बच्चे कम मिलते हैं। बिल्कुल। और जो ऐसे बच्चे हैं वही भारत की सही बच्चे हैं, सही रत्न हैं, राम लक्ष्मण हैं इस देश में। बिल्कुल बेटे। तो कहना क्या कहना क्या? गोरा भाई के माथे का श्रृंगार थे, नारी सुनी है अगर ये श्रृंगार नहीं है, लेकिन जिसका श्रृंगार ऐसे हो जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया हो। तो कहना क्या बड़े? चाहूंगी करते उजाला जो स्वयं दीप बन कर, हमारे दादा की करते उजाला स्वयं दीप बन कर, आज उनके सन्मुख ये दीपक जलाए। ये समय है दादा, सभी से निवेदन है कि पंक्तियों को सुनिएगा। क्या बात है? कि करते उजाला जो स्वयं दीप बन गए, कि करते उजाला जो स्वयं दीप बन गए, आज उनके सन्मुख ये दीपक जलाए। वो जब याद आए नैन छल छलाए, आइए एक बंदर सुनने का पड़ गया। हमारे दादा दयाचंद शमानी भैया, भैया श्री विशाल जैन वरेठी, आपके माध्यम से इनके पत्र मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। दादा हमारे दयाचंद्र दादा जी ये थे क्या, सुनिए क्या बोले। धरती के चंद्र थे चंद्र में मिल गए, Come on!
एक चंद्रमा आकाश में होता है और धरती के चंद्रमा थे हमारे दादा दयाचंद। क्या बात, धरती के चंद्रमा हमारे दादा दयाचंद थे। तो आइए हुआ क्या, क्या बड़े ये चंद्र और वो चंद्र। एक समय ऐसा आया, वो समय आया तो क्या, धरती के चंद्र थे चंद्र में मिल गए, जाकर विलीन हो गए। तो ये सुनी जब खबर तो हृदय हिल गए। रोते बिलखते एक दूसरे से पूछ रहे हैं, सभी भाई क्या बड़े बाप के पूछे कपूर चंद भाई से अपने। भैया क्या हुआ, पूछने लगे। अब देखिए आंखें आंसू से लथपथ हैं। क्या बात, कि पूछे कपूर चंद कि भाई से अपने, बाबूलाल भी बोल बोले ना ये पाए। इतनी शक्ति किसी के पास नहीं कि वो समाचार कह दे। आ जा, समझते रहिए, कह दे। सभी की आंखें नम है, आंखों की भाषा में कह रहे हैं, बाबूलाल भी बोल ना बोल पाए। वो जब याद आए, वो जब याद आए तो नैन छल छल आए। दादाजी मनोज जैन अध्यक्ष जैन समाज खरगापुर, आपके माध्यम से 200 पद मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हैं भैया श्री दाऊ चंद्रभान जैन रविकर टीकमगढ़, आपके माध्यम से 201 पद मुद्राओं का ये बहुमूल्य स्नेह भेंट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। इसी श्रृंखला में हमारे सम्मानी भैया श्री विमल जैन मैनेजर पड़ा पठा पठा कुछ और नवागढ़, आपके माध्यम से 51 पत्र मुद्राएं भेज, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा, साउंड का कोई जोड़ नहीं है। क्या बात बेटे, जब समय आया तो पूरा घर बेहाल है। जब पूरा घर बेहाल है तो कहना पड़ा, क्या बेटे तुम गए हो कहाँ, क्या ढोलक बजा रहे हो आज बेटे। याद करने लगे दादा को, कहना क्या बेटे तुम गए हो कहाँ, सुनक के चमन।
इस परिवार का मुख अभिषेक है, मुख अभिषेक है, रो रहे हैं भैया श्री मास्टर नाथू राम जी नारायणपुर, आपके माध्यम से एक पद मुद्राएं जो हमारे साथ नाल प्रसंगत कर रहे हैं, हमारे भैया श्री अशोक विश्वकर्मा के लिए भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दादा, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लो बेटे आपकी भी बोनी लग चुकी है। और इसी श्रृंखला में हमारे भैया श्री पाते कुशवाहा ग्राम नवई नवागढ़ उत्तर प्रदेश, आपके माध्यम से 51 पत्र मुद्राएं प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं पते कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद है आप, क्या बात है, प्रसन्न होकर फते कुशवाहा आप प्रसन्न होकर ये प्रदान कर रहे हैं, माता भवानी आपको सदैव प्रसन्न रखे। कहना क्या बेटे, तुम गए हो कहां सुनक के चमन, जब याद आए मैं चल कर जब